परहेज़ असी दसने इलाज भी दसी दा इलाज करना भी सुनना ते लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिदा इनकार किया ही नहीं जा सकता। माइकल जैक्सन नहीं है गोरियां दा डांसर सी जिहड़ा उन्हें 12 प्रोफेशनल डॉक्टर रखे सन जिहड़े सिर दे वालां तों लैके पैरां दे नहुआं तक रोज़ाना उहदा मुआयना करदे सन। खाण पीण वास्ते स्पैशल चीज़ां खांदा सी जिन्हां नूं पहले लैबोरेटरी दे विचों टैसट करवांदा सी। स्पैशल उन्हें अपने ट्रेनर रखे सन जिहड़ी उहनूं रोज़ाना एक्सरसाइज करवांदे सन। उहदे तों बावजूद 50 साल की उम्र च मर गया। वो चाहुंदा सी मैं 150 साल जिंदा रहां। इहदे वास्ते उन्हें हर किस्म का जतन किया, डॉक्टर रखे, ट्रेनर रखे, खाने वास्ते लैबोरेटरियां लैदा रखियां, हर वक्त अपने कोल आक्सीजन ते दवाइयां रखदा सी ताकि किसी भी वक्त मैनूं जे लोड़ पै गई तो मैं फटाफट खा लां, कोई मसला ना बने। लेकिन की होया, 50 साल की उम्र च दिल का दौरा पिया तो मर गया। इसलिए दवाई दारू इलाज ये अल्लाह की तरफों, अल्लाह ने हर चीज़ के विच एक शिफा रखी है, हर चीज़ का एक मिजाज है, हर चीज़ साढ़े वास्ते बनाई गई है, उहदा एक मकसद है। लेकिन मौत भी साढ़े वास्ते बनाई गई है, ये भी सानू आ के रहनी है। कुल्लो नफसिन ज़ायकतुल मौत, इहदा जिहड़ा वक्त है मुकर्रर है, जदों आ गया फिर ना को दवाई असर करनी है, ना को दारू असर करना है, ना को परहेज़ असर करना है, इन्हें आ के ही रहना। हकीम लुकमान सी ना, तो हकीम लुकमान का बच्चा मर गया। बच्चे नूं बड़ी दवाई दित्ती, हर किस्म की किताब पढ़ के हर तरह की दवाई दे के वेख ली। हकीम लुकमान नूं बूटियां बोल के दस दियां सन कि मैं फलानी फलानी बीमारी वास्ते आ, दवाई दिंदे रहे लेकिन बच्चे का इलाज ना हो सकिया, बच्चा मर गया। जदों बच्चा मर गया उन्हें कहा मेरी हिम्मत किस काम की, मैं अपने पुत्र नूं नहीं बचा सकिया। अपनियां सारियां किताबां फड़ के दरिया दे विच रोड़न टुर गए, कुछ रोड़ दित्तियां ते कुछ रह गईयां, ते फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आके पुड़ी दित्ती जिहड़ी उन्हें बच्चे नूं दित्ती सी खवाण वास्ते। फरिश्ते ने आख्या मैं ते हलक तू थले जाण ही नहीं दित्ती, ये मेदे च जांदी ते फिर जाके असर करदी ना, इसलिए तुहाडियां दवाइयां दा कसूर नहीं, इस बच्चे दा वक्त आ गया सी। इसलिए सानू हर वेले मौत नूं भी याद रखना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, ये नहीं कि दवाई खाधी तो जरूर आराम ही आना है। बाद दफ़ा कोई अल्लाह की तरफों आजमाइश भी हो सकती है, अल्लाह की कोई मसलहत हो सकती है, वो साढ़े वास्ते ही फायदेमंद। बाज़ बीमारियाँ साढ़े वास्ते फायदेमंद होंदियां ने। बाद दफ़ा बंदे नूं बुखार चढ़ जाता, बंदा 2-3 दिन रोटी नहीं सही खाधी जाती, उहदा भी सानू फायदा, साडा मेदा सैट रहिंदा 2-3 दिन के फाके दे नाल, मेदे दे विच जो गलाजत गंद है सारा साफ हो जाता। इसलिए बाज़ बीमारियाँ वो साड़ी ज़्यादा बीमारी तो बचाने वास्ते आंदियां ने, कई छोटियां बीमारियाँ सानू वड्डी बीमारी तो बचाने वास्ते आंदियां ने। इसलिए हर हाल दे विच अल्लाह दा शुक्र अदा करो, तो उस मालक दे कोलों मदद मंगो, उस मालक कोलों दुआ करो कि अल्लाह शफा दई, ये जिहड़ी दवाई मैं खाण लगा मेरे वास्ते बेहतर है, तो मैनूं इहदे शफा दई। तो अल्लाह पाक सारे मामलात बेहतर करन वाला है।